ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन यानी क्या होता है, तो देखिए क्लोरीन तब तक ऐड करना जब तक उसकी क्लोरीन डिमांड जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता। देखिए हम क्लोरीन जब वाटर में ऐड करते हैं तो वो उस वक्त तक सब उसका ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी उसके कील हो जाते हैं। तो उसको जितना क्लोरीन की जितनी ज़रूरत है उतना पूरा क्लोरीन जो है जब हम ऐड करते हैं उसकी जो क्लोरीन डिमांड है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाती है और उसके बाद हम जितना भी क्लोरीन ऐड करेंगे वो क्लोरीन जो है वो रेसिडुअल क्लोरीन के फॉर्म में शिल्लक रहेगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर अंटिल द क्लोरीन डिमांड हैज बीन सेटिस्फाइड, यानी इतना क्लोरीन हमें ऐड करना है कि उसकी वाटर डिमांड सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद उस पॉइंट के बाद अगर हम जितना भी क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो क्लोरीन क्या होगा, रेसिडुअल क्लोरीन ही रहेगा, यानी उसका कोई यूज उस वाटर में नहीं होगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं गाइस ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन।